Hello, my name is Jamie. How are you? कलर बहुत बेकार आ रहा है, सब दिख रहा है। हाँ बस लुक यार बड़ा रुक जाइए जन्मदिन है, क्या कुछ सरप्राइज लाए हो छोटी अन्नू के लिए? छोटी अन्नू के लिए सरप्राइज क्या, वो तो चाची है सेट पे सब, मतलब शी नोज एवरीथिंग कि किसको क्या है, सबको कौन उसे क्या दे रहा है सब पता है उसे। आप दोनों का बहुत ही टीवी में उभर के आता है आप दोनों का प्यार, रियल लाइफ में? रियल लाइफ में मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ जी, बिकॉज मुझे बच्चों से बहुत लगाव है एंड मैं अपने बेटे को बहुत मिस करती हूँ सेट पे। तो ये सुबह सुबह उठ के सबसे पहले सेट पे आते ही मेरे रूम में आ जाएगी, मुझसे हगी पगी करेगी एंड मेरे पास थोड़ी देर रुकेगी। फिर पहले जब आई थी तब वो डॉग्स से बहुत डरती थी और अब खुद खड़े होके डॉग्स के साथ यू नो शी बी प्लेइंग विद देम एंड गब्बर के साथ, गब्बर उसे बहुत प्यार करता है। सो Asmi is very 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 special too. कोई सेट पे वो अनूप के साथ मेमोरी शेयर, फनी मोमेंट शेयर करना चाहो? फनी मोमेंट तो रोज ही होते हैं, वो नॉनस्टॉप बकबक करती रहती है, कुछ ना कुछ पाली आंटी रूपाली आंटी करती रहती है एंड अच्छा लगता है। वो रहती है तो चहल पहल रहता है, वो नहीं रहती है तो खाली खाली रहता है। अभी मैं भी छोटे अनु से इंटरव्यू लिया, उसका इंटरव्यू हां तो टट 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 करके उसने बहुत बोला होगा ना? बहुत बोला। अरे आपका तो बहुत तारीफ की, बोली रूपाली मैम बहुत अच्छी है। नहीं मैं उसे जेन्युइनली बहुत प्यार करती हूँ, आई रियली रियली लव हर एंड गॉड ब्लेस हर, दिल से दुआएं उसके लिए, ब्लेसिंग्स उसके लिए। रुद्रांश बेटा है तो वो एक बेटी जैसी मुझे मिल गई है एंड आई जस्ट लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, मैं क्या ही बोलूँ उसको, मतलब बहुत टैलेंटेड बच्ची है और इसी तरह से मतलब काम को लेकर फोकस्ड है, डिसिप्लिनड है, वेल ब्रॉट अप चाइल्ड है, सबकी इज्जत करती है, सबको रिस्पेक्ट देती है। ये माँ बाप का यू नो श्रेय है कि उन्होंने बच्चे को इस तरह से बड़ा किया है। सो गॉड ब्लेस। आपके सीरियल को लोग बहुत प्यार देते हैं, एक एक किरदार
सबको प्यार देते हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? थैंक यू, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड ये मेकर्स का श्रेय है, हम तो सिर्फ कठपुतलियाँ हैं जो बनाते हैं, मेकर्स बनाते हैं, लिखते हैं, राइटर्स लिखते हैं, कराते हैं, डायरेक्टर्स कराते हैं, हमारी सारी गुफ अप्स एडिटर्स एडिट कर देते हैं, क्रिएटर्स हैं, तो एक्टर्स तो आर अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट, लेकिन हमें फेस होने की वजह से इतना प्यार मिलता है लोगों से। सो उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और उम्मीद यही है कि इसी तरह से मेहनत करती रहूँ ताकि आगे जाकर भी ये प्यार, मैं कभी भी मुझे ये प्यार की आदत पड़ गई है तो उसे खोना नहीं चाहती। साथी बिग बॉस में आपको कोई फ्रेंड गया है? फ्रेंड फ्रेंड कोई? सुम्बुल है, मेरी लाडली है जी जी, एंड एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी उसके साथ स्टार परिवार में जी। एंड मैं फॉलो नहीं कर रही शो, मेरे पास टाइम नहीं होता ये सब देखने का, पर आई एम होपिंग कि सुम्बुल डज वेरी वेल इन लाइफ। अगर आपको मौका मिले तो कौन से रियलिटी शो में जाना चाहोगे आप? अपनी इच्छा से बताओ, कोई भी। किसी में भी नहीं, मैं अनुपमा में बहुत खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अगले 10-12 साल तक मुझे अनुपमा के आगे कुछ और देखना ना पड़े। थैंक यू। Thank you.
गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत मैं इतना आपने खूबसूरत बोला आप दोनों ने, आई वॉज आस्किंग विवेक को लेकर पूछिए हमसे मंडे को मिल सकते हैं, थोड़े मैं राइटिंग के लेना चाहता हूँ, मैं राइटर्स के सामने बिठाना चाहता हूँ आपके, थोड़ा आपसे इंस्पायर होकर वो लिखे और अच्छा. बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस एंड एंटायर टीम. एंड Asmi is a gem, I think like an angel and a princess who's come on our set. And set hamara वैसे बहुत ही positive और सबके बीच में बहुत प्यार है. But Asmi के आने से हर artist ने मुझे बोला, person ने बोला, team की bonding और बन गई. You know, team में एक positivity होता है, एक aura of happiness होता है. तो वो छोटी के आने से इतनी खुशी, इतनी एक bonding हो गई that और पहले थी but और बढ़ गई. So I think something so cute, nice and positive about her. और वो डांटती भी है, मेरे कुछ बैड हैबिट्स हैं. मुझे याद है मेरा पहला इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, मैं सेट पे आता जाता रहता हूँ, यू नो, बिकॉज अपने सारे सेट से रिश्ता सब उधर ही है कि लोकेशन में, कभी कभी अनुपमा में जब आता हूँ. सो आई हैव अ बैड हैबिट, अभी बच्चे हैं बट आई स्मोक. तो मैं आके डिस्कस कर रहा था डायरेक्टर से कुछ और एक जोर की पीछे से आवाज़ आई, अंकल सिगरेट फेंको. ये मेरे सेट पे कौन है मुझे बोलने वाला ये. फिर टर्न किया, छूटी आई एकदम से. And she said, uncle, please, आज का था सिगरेट मत पीना. And this reminded me so much of my daughter. अब वो सिडनी में पढ़ाई कर रही है अभी, she's not 20. But छोटी थी ना वो, कहीं भी सिगरेट देख लिया मेरे हाथ में वो छीनती थी. And she used to break it. So this reminded me so much of Ishika. I said, यार ऐसे हक से तो Ishika ही मेरी daughter ही बोला करती. Show में भी एक हफ्ता पूरा इनका शूट होगा बर्थडे. But we were so exceptional performer है ये, मतलब one take immediately script पढ़ लेना, discipline. उस दिन भी मैं आया था फिल्म सिटी अर्ली मॉर्निंग 7 बजे शूट कर रहे थे हम लोग गार्डन में. सो डिसिप्लिन, सो उतना संस्कार इतने अच्छे हैं दैट आई थिंक शी कैन पुट लॉट ऑफ सीनियर एक्टर्स, लॉट ऑफ एक्टर्स टू शेम इन टर्म्स ऑफ अवर डिसिप्लिन पैशन. और उसमें मैं कहूँगा उनके पेरेंट्स का, रियली आई वॉज टेलिंग समबडी दैट द वे द डिसिप्लिन आई सी इन द चाइल्ड, द पैशन टू वर्क एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स. हर टेक्नीशियन, हर स्पॉट दादा, सबके साथ इतना प्यार, इतनी इज्जत. सो वी आर रियली रियली वेरी वेरी प्राउड एंड ब्लेस्ड टू हैव हर इन आवर फैमिली ऑफ अनुपमा. एंड थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, सक्सेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. गॉड ब्लेस. ठीक है, हैप्पी बर्थडे अगेन. रियल एंड रियल भाई साहब इधर सत्य, अरे आइए ना देने अभी ना, रियल एंड रियल फैमिली. सुबह सुबह आकर सबसे पहले मेरे कमरे में आती है, मुझसे चुपकी रहती है काफी देर तक. जब रुद्रांश को छोड़कर आई थी काम करने तब वो 6.5 साल का था. एंड अब अश्मी हमारे शो में आई है, वो 6.5 साल की आई है. इट्स लाइक वही एज का बच्चा मुझे मिल गया है. उन्हें थिंक आई कैन पिक हर अप, तो उसे गोद में उठा के घूमती रहती, मुझे बहुत मजा आता है. एंड हाँ, इसका कहर है सर, सभी डरते कि भाई अश्मी तो नहीं है, कोई आरिफ अंकल हो या विवेक अंकल हो या कोई भी अंकल हो, निखिल हो, अभय अंकल हो, गुल्लू अंकल हो, जो भी हो, सबके अलग अलग नाम दिए, भूत अंकल, एबी अंकल, सबके नाम दिए हुए हैं. तो सारे डरते हैं कि कहीं पीछे अश्मी तो नहीं है. पीछे से इसके आने से सेट पे जिसमें है मस्ती है. और प्लीज अश्मी के बारे में बस यही कहूँगा कि जनरली सब लोग सेट पे कहते हैं कि सबसे बदमाश अगर किसी का नाम लिया जाता है तो जनरली मेरा नाम आता था, लेकिन जब से ये आई है इसने मुझे ओवरटेक कर लिया. और मेरे को सेट पे बस एक ही बंदा है जो मेरी टांग खींचता है, वो ये है. और कोई ये आते ही गौरव अंकल, गौरव अंकल, गौरव अंकल,
और उसके बाद फिर आप पूछिए, अश्विनी की मम्मी भी आती है सेट पे, सबसे ज़्यादा परेशानी किसको पड़ती है बट आई रियली इन्जॉय हर वेन एवर शी इज़ अराउंड मी बिकॉज इतनी जो चाइल्ड लाइक एनर्जी है ना इसकी बहुत अच्छी है एंड इसने आके ना पूरे माहौल को पूरे जो एक जो फीलिंग है उसको टचवुड बहुत अच्छा हो गया एंड शी इज़ रियली अ प्रिंसेस और जो हमारे सीन में जो हमारी केमिस्ट्री आती है वो इसलिए क्योंकि हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना अनु जंगल है आप देख रहे हैं यहाँ भी टांग खींच रही है क्या करूं बट या सो हैप्पी बर्थडे अगेन बेबी सो थैंक यू गाइस थैंक यू एक बार अनुपमा की पूरी फैमिली आ जाएगी तो मजा आ जाएगा प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल फ्रॉम अनुपमा प्लीज प्लीज कम एंड जॉइन अस प्लीज सर सबको मिलेगा चलो वी लुक स्ट्रेट अच्छा आ जाओ और मुझे अब आ जाएगी पूरी फैमिली बहुत बढ़िया राजमा किधर है अरे आप लोग क्या वाली नॉट टू सी कम थोड़ा इधर आ जाओ और इधर आ जाओ अभी प्रिया आप इधर आ जाइए राजवीर शर्मा रहे हैं एक बार चला गया वही उसके लिए बोलता Thank you so much everyone, thank you. ये आइसोलेशन निकली तो पहले बोल के कितना दिन में अच्छा काम करा तो आपको एपिसोड दिखा और उसका फोटो अभिनय पर भेजा हुआ तो जैसे रामायण महाभारत ये लोग ट्रेन रोक करके देखता था बहुत वही स्थिति सीरियल में आप लोग ने पता मैचलेस दूसरे तरह से उनके हैं और आगे जाना थैंक यू आप ऐसे ही आशीर्वाद ऐसे इनसे सुंदर को हिम्मत तो नहीं है सच में तो तभी तो मैंने शादी की है Let's gather together for cake cutting. Yeah. Come. Okay. Take my bag.